हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन की नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, आज अपना तीसरा दिन है और तीसरा नंबर का टॉपिक है राजस्थान की हवेलियां, और राजस्थान की हवेलियों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 75 प्रश्न बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से बाहर हवेली का प्रश्न है वो नहीं जाएगा। मात्र 15 दिन के अंदर अपन राजस्थान कला संस्कृति का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है रेट लेवल 2 के अंदर, ठीक है, जिसमें देखिए आज अपना तीसरा नंबर का टॉपिक है राजस्थान की हवेलियां। कल अपन राजस्थान के मेले एवं त्योहार से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 SST राजस्थान की कला एवं संस्कृति के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है तो आप वहां जाकर पिछली क्लासे हैं वो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, नादिन ला प्रिंस हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, नादिन ला प्रिंस हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नादिन ला प्रिंस हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए फतेहपुर में है ये नादिन ला प्रिंस हवेली, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2nd नंबर का प्रश्न है, पंसारी हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए पंसारी हवेली कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यह है श्री माधवपुर सीकर में दोस्तों पंसारी हवेली स्थित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न हवेलियों से संबंधित है। देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, केसरी सिंह बारट की हवेली कहाँ पर स्थित है? केसरी सिंह बारट की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, रामपुरियो की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामपुरियो की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में स्थित है दोस्तों रामपुरियो की हवेली, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में पटवो की हवेली है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, नाहटो की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नाहटो की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सरदार शहर चूरू में नाहटो की हवेली स्थित है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है भामाशाह की हवेली, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है भामाशाह की हवेली, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा ने बागौर की हवेली का निर्माण करवाया था उदयपुर में, यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए झाला जालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? बताइए झाला जालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कोटा में, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा में है झाला जालिम सिंह की हवेली। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? देखिए परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न है वो हवेली से संबंधित अवश्य पूछे जाएंगे, चाहे अगर वो मिलान का प्रश्न हुआ या सुमेलित करने वाला हुआ तो दोस्तों उसमें आप 4 प्रश्न मान के चलिए, सुमेलित करोगे तो दोस्तों आपको 4 हवेलियों के नाम आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये टॉपिक देखना महत्वपूर्ण है, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नथमल की हवेली है ये जैसलमेर में है, राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाथुराम पोदार की हवेली है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बिसाऊ में है। कहाँ पर है? बिसाऊ में है नाथुराम पोदार की हवेली। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये महेंद्र सर में है। कहाँ पर है? महेंद्र सर में है सोने चांदी की हवेली।
आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडावा में है रामनाथ गोयनका की हवेली। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर स्थित है? टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये झुंझुनू में है टिबड़े वालों की हवेली। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है? कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए बिसाऊ में नाथुराम पोदार की हवेली है, सीताराम सिगतिया की हवेली है, सेठ जयदयाल केड़िया की हवेली ये भी दोस्तों बिसाऊ में है, लेकिन ईश्वरदास मोदी की हवेली है ये दोस्तों बिसाऊ में नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली, ये तीनों हवेली दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, लेकिन बाफना हवेली है ये जैसलमेर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना ठीक है। दोस्तों बापना की हवेली कहाँ पर है? फिर बापना की हवेली है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है बापना की हवेली, ठीक है, उदयपुर में है बापना की हवेली, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बादशाह हवेली कहाँ पर स्थित है? बादशाह हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बादशाह की जो हवेली है ये अजमेर में है, कहाँ पर है? अजमेर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चार चौक हवेली कहाँ पर स्थित है? चार चौक हवेली कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार चौक हवेली है ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, चार चौक हवेली। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डालमिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डालमिया की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चुड़ावा झुंझुनू के अंदर, चिड़ावा झुंझुनू में डालमिया की हवेली है वो स्थित है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों की नगरी कहलाता है? कौन सा शहर हवेलियों की नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर है ये हवेलियों की नगरी कहलाता है। दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है बागौर की हवेली, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली स्थित है, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों जयपुर में, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जयपुर में। आगे देखिए ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों झुंझुनू में है ईश्वरदास मोदी की हवेली, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस हवेली की एक कलात्मक खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है? किस हवेली की एक कलात्मक खिड़की पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बागौर की हवेली पर दोस्तों 25 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है 1 जनवरी 2017 को। कहाँ पर है? उदयपुर में है ये। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पोदार हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बताया मैंने अभी आपको पोदार की जो हवेली है ये नवलगढ़ झुंझुनू में है पोदार की हवेली, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा शहर हजार हवेलियों की नगरी कहलाता है? कौन सा शहर हजार हवेलियों की नगरी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है बीकानेर, बीकानेर है ये हजार हवेलियों की नगरी कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सागरमल लाडिया की हवेली स्थित है, सागरमल लाडिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडावा में है सागरमल लाडिया की हवेली, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है? निम्न में से कौन सी हवेली में पगड़ियों का संग्रहालय संचालित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बागौर की हवेली में, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही बागौर की हवेली में, ठीक है। आगे देखिए अमरचंद कोचर की हवेली कहाँ पर स्थित है? अमरचंद कोचर की हवेली दोस्तों फड़ौदी में है, कहाँ पर है? फड़ौदी में है अमरचंद कोचर की हवेली,
ठीक है, याद रखना अमरचंद कोचर की हवेली फड़ौदी में है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी हवेली में सिंध भारत मुगल व यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, कौन सी हवेली में सिंध भारत मुगल व यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पटवो की हवेली में, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पटवो की हवेली में। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, बड़े देवता की हवेली स्थित है, बड़े देवता की हवेली स्थित है, तो दोस्तों ये कोटा में स्थित है दोस्तों, बड़े देवता की हवेली, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सी हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है, कौन सी हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पटवो की हवेली है, ये दोस्तों जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है वो मानी जाती है पटवो की हवेली, ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है, बच्छावतों की हवेली है ये दोस्तों बीकानेर में है, कहाँ पर है, बीकानेर में है बच्छावतों की हवेली, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुरणाओं की हवेली जिसमें 1100 खिड़की दरवाजे लगे हैं, जिसे सुरणाओं का हवामहल भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, सुरणाओं की हवेली जिसमें 1100 खिड़की दरवाजे लगे हैं, जिसे सुरणाओं का हवा महल भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चूरू, चूरू में है दोस्तों ये, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूरू में है। आगे देखिए, कठपुतलियों का संग्रहालय किस हवेली में संचालित है, कठपुतलियों का संग्रहालय किस हवेली में संचालित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बागोर की हवेलियों में, ठीक है, बागोर की हवेली में, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मालजी का कमरा कहलाने वाली हवेली कहाँ पर स्थित है, मालजी का कमरा कहलाने वाली हवेली कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, तो ये चूरू में स्थित है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चूरू में। आगे देखिए, खेमका सेठों की हवेली कहाँ पर स्थित है, खेमका सेठों की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ सीकर में खेमका सेठों की हवेली स्थित है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये हवेली है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सुजानगढ़ चूरू में स्थित है दोस्तों, दानचंद चोपड़ा की हवेली, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयमल व पत्ता की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है, जयमल व पत्ता की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, जयमल व पत्ता की हवेलियाँ, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, दोस्तों सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मोहता हवेली डागा हवेली व कोठारी हवेली किस शहर में स्थित है, बताइए, मोहता हवेली डागा हवेली व कोठारी हवेली किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन से शहर में, तो ये बीकानेर में है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। आगे देखिए, निम्न में से कन्हैयालाल बागला की हवेली कहाँ पर स्थित है, निम्न में से कन्हैयालाल बागला की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चूरू में है, कन्हैयालाल बागला की हवेली, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूरू में। आगे देखिए, वह हवेली जो नौखंडी हवेली कहलाती है, जिसकी 7 मंजिल पत्थर से वह ऊपर की 5 मंजिल लकड़ी से बनी थी, लकड़ी से बनी दोनों मंजिल अब हटा दी गई है, उक्त हवेली कौन सी है, वह हवेली जो नौखंडी हवेली कहलाती है, जिसकी 7 मंजिल पत्थर से वह ऊपर की 2 मंजिल लकड़ी से बनी थी, लकड़ी से बनी 2 मंजिल अब हटा दी गई है, ये हवेली कौन सी है, बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है सालिम सिंह की हवेली की बात, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, आलय काबरा की हवेली कहाँ स्थित है, आलय काबरा की हवेली कहाँ पर स्थित है, यह चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, आलय काबरा की हवेली, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, गोरीलाल बियानी की हवेली कहाँ पर स्थित है? गोरीलाल बियानी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सीकर में। गोरीलाल बियानी की हवेली कहाँ पर है? तो ये सीकर में है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से मोहन सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, मोहन सिंह की हवेली है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो ये मोहन सिंह की जो हवेली है, ठीक है, ये है दोस्तों उदयपुर में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, केसर देव कानोडिया की हवेली कहाँ स्थित है? केसर देव कानोडिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मुकुंदगढ़ में। कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ में है ये। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ पर स्थित है? केडिया हवेली व राठी हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सीकर में है ये दोस्तों, केडिया हवेली व राठी हवेली। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित अपने को यहाँ पर करना है, बताना है कि कौन सी हवेली कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। पटवो की हवेली भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कहाँ पर है, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक में है। और बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, 3241, 3241, ठीक है। तो दोस्तों 3241 किस में है? 4 नंबर के ऑप्शन में अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें, देखिए दाबाई की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए दाबाई की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, दाबाई की हवेली। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है? निम्न में से झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बारा में है झालाओं की हवेली। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रूप निवास की हवेली किस स्थान पर स्थित है? रूप निवास की हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये नवलगढ़ में है दोस्तों, रूप निवास की हवेली। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? तो दोस्तों ये बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है ये रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इस हवेली के एक हिस्से में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संचालित है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दीवान साहब की हवेली कहाँ स्थित है बताइए। दोस्तों दीवान साहब की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में है दीवान साहब की हवेली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, झालावाड़ में। आगे देखिए, पुरोहित जी की हवेली स्थित है बताइए, पुरोहित जी की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है पुरोहित जी की हवेली। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर के पास बनी हुई है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों सालिम सिंह की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने करवाया था 1825 ईस्वी में। तो सालिम सिंह ने ही करवाया था, राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, सोडो की हवेली कहाँ स्थित है? सोडो की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जैसलमेर में है सोडो की हवेली। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बड़े मियो की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? बड़े मियाँ की हवेली दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है बड़े मियाँ की हवेली। ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन सही, जोधपुर। आगे देखिए, निम्न में से राखी हवेली कहाँ स्थित है? राखी हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों जोधपुर में है राखी हवेली, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, डागा की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों डागा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में है डागा की हवेली। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुलेच्छा की हवेली निम्न में से कहाँ पर है स्थित है? गुलेच्छा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुलेच्छा की हवेली बीकानेर में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में।
आगे देखिए, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है बच्छावतों की हवेली है, ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ताराचंद रुइया की हवेली किस स्थान पर स्थित है? ताराचंद रुइया की हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ सिकर में। दोस्तों ताराचंद रुइया की हवेली स्थित है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राठी हवेली निम्न में से कहाँ पर स्थित है? राठी हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। आगे देखिए, निम्न में से नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर में है दोस्तों नंदलाल देवड़ा की हवेली। आगे देखिए, सुराणाओं का महल, सुराणाओं का हवा महल किसे कहा जाता है? सुराणाओं का हवा महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये सुराणाओं की हवेली को कहा जाता है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है? रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये चूरू में है, रामविलास गोयनका की हवेली। आगे देखिए, सुमेलित करना है, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर देखिए पता चल गया होगा आपको, देखिए बागौर की हवेली कहाँ पर है? ठीक है, बागौर की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैंने भी बताया था उदयपुर में है। नथमल की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, नथमल की हवेली, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा जो धाबाई की हवेली है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। और पाल हवेली कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर क्या करना है, 3 सॉरी 2 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में, कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट आपको 2 3 1 4 करना है, ठीक है। आगे देखिए, दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली किस जिले में स्थित है? दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जैसलमेर में, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, नथमल की हवेली के कारीगर कौन थे? नथमल की हवेली के कारीगर कौन थे? तो वो थे दोस्तों लालू व हाथी, लालू व हाथी थे, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लालू व हाथी। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है 72 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस हवेली में कहीं भी शिल्प का दोहराव नहीं किया गया है? बताइए किस हवेली में शिल्प का दोहराव नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें नथमल की हवेली, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नथमल की हवेली, ठीक है। कहां पर है ये? जैसलमेर में है, ठीक है। आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली की छठी व सातवीं मंजिलों को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसको जहाज महल और मोती महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जहाज महल और मोती महल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आसोप हवेली कहाँ स्थित है? आसोप हवेली कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जोधपुर में है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लालचंद डड्डा की हवेली किस स्थान पर स्थित है? लालचंद डड्डा की हवेली है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये फड़ौदी में है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए, मैंने आज आपको हवेलियों से संबंधित प्रश्न है वो करवा दिए हैं, और इसी के साथ अपना जो 3रा नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपन राजस्थान के मेले एवं त्यौहार से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट SST राजस्थान कला एवं संस्कृति के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।